तो आज मैं आया हूँ यूरोप के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टाउन्स मोस्टार को एक्सप्लोर करने, जहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ओटोमन एम्पायर के वक्त बनाया गया ये स्ट्री ब्रिज, जो कि है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक। एंड इसी के साथ यू कैन एक्सपीरियंस दिस ब्यूटीफुल लोकल मार्केट, जो कि बसता है यहाँ की लोकल रोड्स के किनारे ओल्ड शॉप्स में से। एंड आज भी यहाँ लोकल लोगों ने हिस्ट्री प्रिजर्व कर रखी है, एंड यहाँ आकर यू विल फील जैसे आप आ चुके 100-200 साल पास्ट में। सो हेलो जी, मेरा नाम है हाइकर हिमांशु, एंड फिलहाल हूँ मेरी ईस्ट यूरोप बैकपैकिंग ट्रिप पर। एंड जैसा आपने मेरा पिछला सफ़र देखा, मैं था बोस्निया के एक छोटे से टाउन सन्स्की मोस्ट में, एंड दे आर आइस्टेड विद लोकल्स, एंड दैट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और इसी एक्सपीरियंस के बाद मैं निकल रहा हूँ मेरी नेक्स्ट जर्नी मोस्टार की ओर, जो कि है मेरी बकेट लिस्ट में से एक। आज मेरा पांचवा दिन बोस्निया में, एंड आज मैं जा रहा हूँ मोस्टार, जो कि मेरी लास्ट डेस्टिनेशन बोस्निया में। उसके बाद मैं जाऊँगा मॉन्टेनेग्रो, और वैसे मैं सोचता हूँ लोग मॉर्निंग में स्टार्ट करता है, बट टाइम ही नहीं मिला। और जो मेरे होस्ट थे काफ़ी अमेजिंग है, एंड आई थिंक मेरा फर्स्ट या सेकेंड होस्ट है जो इतने अमेजिंग है। एंड ऐसा ही एक्सपीरियंस था जब लोकल के साथ रुकते हो, उनकी फैमिली के साथ मिलते हो, मतलब काफ़ी अमेजिंग है। वो आप लोगों को लगेगा कि तारीफ कर रहा है बार बार, बट सच में अमेजिंग था। और वैसे यहाँ की बस अपने लोकल बस जैसे ही है, और यहाँ पे सीट रोकने का कोई सिस्टम है, टॉवल डाल दो या बॉटल कुछ भी डाल दो, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बट ठीक है, मिलते हैं फिर। और अभी जो छोटे से टाउन में मैं उसको बोलते डोनगी वाकूफ आई थिंक, एंड मेरे होस्ट ने पहले बोला था कि संडे बेटा सब कुछ बंद रहेगा यहाँ पे, तो खाना वाना ले जा। मैं बोल रहा था नहीं, जरूरत नहीं है, बट अच्छा उन्होंने लास्ट मोमेंट में पैक करके मेरे बैग में रख दिया, तो कम से कम भूख से तो नहीं भरेंगे। और रेस्टोरेंट तो क्या, यहाँ पर टॉयलेट भी नहीं है, उसके लिए भी देखो वहाँ पर बस स्टेशन है, और यहाँ मैं फ्यूल स्टेशन पर आया हूँ, तो अच्छा वाले एल लगते हैं आज भूखे मरता, मतलब कुछ तो मिल जाता बट फिर भी लगते अच्छे वाले। बाकी जो मेरी बस है मुझे लग रहा था 3 बजे होगी, बट वो है शाम को 5 बजे, और मैं पहुँचूंगा तकरीबन 9 या 9:30 बजे। तो मुझे लगता है कल का दिन तो मुझे मोस्टार में ही निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन भी नहीं है। और वैसे भी मैं मेरा गोप्रो भूल गया था बस में, मुझे लगा गया आज तो, मतलब किस्मत अच्छी थी जैसे व्लॉग में हमने को देखा है गोप्रो ही नहीं है, और बस निकलने में ही थी, तो कैसे जैसे पकड़ लिया। बाकी इन छोटे टाउन में एक पंगा, यहाँ पर इंग्लिश कोई भी नहीं बोलता, तो आपको सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मामला है यहाँ पे, बट ठीक है यार, अभी तक तो मुझे लोग अच्छे लगे। यहाँ बसेज कुछ ऐसी हैं, वैसे बस तो यहाँ पे भी यूरोप जैसी हैं, मतलब जर्मनी जैसी हैं, बट पंगा इनमें टॉयलेट वगैरह है, बट ये लोग अलाउ नहीं करते पता नहीं क्यों। और वापस से मैं आ गया हूँ बस स्टेशन, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ बैठता हूँ 1-1.5 घंटे, क्योंकि अभी मेरी बस आने में लेट, तो क्या करें आप 2-3 घंटे निकालने। और मेरी कनेक्टिंग बस होती है 2 आवर्स के बाद, तो कुछ इस तरह फ्री वाईफाई के साथ मैं मेरा वक्त गुजारता हूँ बस स्टेशन पर। तो अभी 5 या 6 घंटे की ड्राइव के बाद मैं हूँ मोस्टार में। वैसे सिटी में इतना कुछ देखने को है नहीं, बट यहाँ पे एक ब्रिज है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, तो मैं उसी के चक्कर में आऊँ, एंड शायद मैं कल रुकूँ यहाँ पे, या मैं कल शाम को भी निकल सकता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं वो ब्रिज देख लूँगा, देन उसके बाद कुछ खास है नहीं। बाकी अभी मुझे भूख लग रही है तगड़े वाली, एंड आज संडे है, ऑलमोस्ट सब कुछ बंद है यहाँ पे। आई होप कुछ रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाए, नहीं तो अच्छे वाले एल लगेंगे मेरे। तो अभी मैं भाग रहा हूँ पहले हॉस्टल साइड में, या फिर रास्ते में कुछ मिलेगा तो खाएंगे। बाकी व्यू काफ़ी अच्छे थे यार रास्ते में, मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बाकी ऐसा लग रहा है जैसे कोई माउंटेंस में होइएगा। तो अभी ये वीडियो शायद मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, या फिर देखते कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो, नहीं तो फिर मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आज है मेरा पहला दिन मोस्टार में। वैसे प्लान ये था कि मैं कल रात को आया एंड रात को एक्सप्लोर करता, बट क्या करें हम पहुँचे लेट तो टाइम नहीं मिला, फिर मुझे आज एक दिन यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ा। बट अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे जो फ्री वॉकिंग टूर होते हैं, मतलब फ्री तो नहीं होते, आपको टिप देनी रहती है जो भी 5 यूरो 10 यूरो, बट ठीक है आपको सिटी के बारे में पता चल जाता है, नॉलेज हो जाती है। तो अभी वही प्लान है, पहले 2 घंटे का टूर लूँगा, एंड मुझे बस टिकट भी बुक करनी है, तो वो भी मुझे फिगर आउट करना है। बाकी जो टूर है वो यहाँ पे ओल्ड ब्रिज पे स्टार्ट होता है, और जो मोस्टार सिटी पॉपुलर की है उसका रीजन है वो ओल्ड ब्रिज, और उसकी हिस्ट्री मैं आपको चल के वहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि वहाँ जाके बताऊँ वही अच्छा है। और वैसे आप कभी भी पिक्चर देखोगे मोस्टार की तो आपको वही ब्रिज दिखेगा, बट दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। और वैसे भी यहाँ की जो मार्केट उसी में आ चुका हूँ मैं, एंड यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कह सकता हूँ टर्की वाली वाइब आती है मुझे तो, क्योंकि दिखाता हूँ आपको यहाँ का जो मार्केट है।
और अभी जिस ब्रिज पर मैं हूँ उसको बोलते हैं स्ट्रीम मोस्ट। एंड ये ब्रिज बना था शायद 16th century में, एंड बाद में इसको 1993 में वॉर के दौरान मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट वापस से इसको बनाया गया। और इसका पर्पस था यहाँ कि जो दो सिटीज हैं उनको कनेक्ट करना। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया यहाँ पर, यदि आप आ रहे हो ना तो थोड़ा सा ऐसा स्लिपी, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। बट मैंने कुछ पिक्चर्स देखी थी जिनमें यहाँ पे बंदा चढ़ के जंप मारता है, तो पता नहीं अभी तो होगा या नहीं, बट वहाँ से मैं शायद अपना ड्रोन उड़ा सकता हूँ, या मे बी आई थिंक वहाँ मैं जा सकता हूँ, वहाँ पर कोई देखेगा भी नहीं हमें बाकी, ठीक है, या फिर हम टॉप व्यू पे भी जा सकते हैं, तो वो तो देखते हैं, अभी पूरा दिन है मेरे पास में। और आई थिंक इसकी हाइट होगी मे बी मोर देन 100 meters, आई थिंक 120 या 130 के आसपास है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बता रहे थे, तो वो तो अभी मुझे कश्योर नहीं है कितनी है, बट है। बाकी अच्छा टाउन है यहाँ पे यार, और रात को आओगे ना आप स्पेशली तो अच्छी मतलब मस्त वाइब्स आती हैं, काफ़ी टूरिस्ट वगैरह हैं, तो इसीलिए मैं रुक गया यहाँ पे एक दिन, चलो देख लेंगे। बाकी यहाँ से ये इसका हाइट है, बाकी मैं वहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को व्यू। बट हाँ ये जरूर ध्यान रखना, आ रहे हो ना आप तो केयरफुल रहोगे, और इस ब्यूटीफुल टाउन की या सैंड कलर की इमारतें देखकर आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप आ चुके हो पास्ट में। एंड आई एम ग्लैड टू सी दैट आज भी लोगों ने यहाँ की हिस्ट्री को प्रिजर्व कर रखा है, एंड दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल। और वैसे इस टाउन की हिस्ट्री जानने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ का वॉकिंग टूर, और उसी के लिए मैं मेरे हॉस्टल फ्रेंड्स के साथ निकल लेता हूँ ये टाउन एक्सप्लोर करने, जहाँ यू कैन विजिट ओल्डेस्ट कॉपर स्मिथ स्ट्रीट, यहाँ का स्ट्रीट ब्रिज, या फिर यहाँ के लोकल बाजार्स। और जैसा मैंने आप लोगों को सारा व्यू में दिखाया था कि वहाँ पे भी कॉपर स्मिथ स्ट्रीट थी, वहाँ पे मतलब हैंडक्राफ्टेड कुछ करते हैं उसे बनाते हैं, वहाँ पे बुलेट वगैरह थी, तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है। आई थिंक यहाँ पे जस्ट टर्की वाला ही सीन है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ से सिमिलर है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर भी था। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था यहाँ पे आ रहे हो तो अच्छा वाला शूज़ ले आना, नहीं तो लगेगी, तभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि चलो सेंटर में जाओगे तो अच्छे से गिर सकते हो, सो वी हैव टू बी केयरफुल हियर। एंड बाकी जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप कहीं पे भी आ रहे हो तो फ्री वॉकिंग टूर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, उसमें आप टिप दे सकते हो जो भी आपकी मर्जी है, बट आपको शॉर्ट टाइम में काफ़ी जो नॉलेज मिल जाएगी सिटी की, एंड काफ़ी चीज़ें आप देख लोगे, तो अच्छा है। और अभी मेरे पीछे मोस्टार ब्रिज, एंड यहाँ से ये बताते हैं कि आपको प्रूव करना है ना आप मोस्टार से हो, तो यहाँ से जंप करना रहता है, फुटबॉल क्लब है वहाँ पे मैच खेलो 10 साल के लिए, तो अभी जो हमारा गाइड है हमें कन्विंस करने में लगा कि भाई कूदो, अब हमें तो ऐसे भी स्विमिंग नहीं आती तो कोई सेंस नहीं है, बट मे भी कोई करे जंप, देखते हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है, जो यहाँ का आर्किटेक्ट है उसको प्रिजर्व रखें, इंटीरियर आप कुछ भी चेंज कर लो बट बाहर से है ना वही रहना चाहिए, तो थोड़ा सा प्रिजर्व रहे यहाँ की हिस्ट्री वगैरह। बट यहाँ पे यार स्टोन बड़े अजीब है, बंदा गिर जाए यहाँ पे। और जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर पूरा टर्की या मार्जिन जैसा लग रहा है, तो क्योंकि ऑटोमन एम्पायर था उसी का भी रीजन है, एंड यहाँ पे भी काफ़ी मतलब डाइवर्सिटी में लोग हैं, यहाँ पे हर रिलीजन के लोग मिल जाएंगे आपको। बाकी अच्छा है यहाँ पे, मुझे ऐसी सिटी पसंद है जहाँ पे गाड़ी वगैरह ना कुछ चलाओ, पैदल वगैरह घूमो, एंड थोड़ा सा और वाइब हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। Like the guy that you see before making pots, but this is actually the best shop in this region, if it's not in the whole country. Only shop that is represented in the UNESCO's book of the world heritage handcrafting of this region, and the book is actually behind you on that wall. And this work, it's on the front page. So what you see here is the best of the best. Actually, most of the designs that you see on these walls are taken from the tombstones, historically collected tombstones. In this area from the 5th to the 11th century, most of them showing something, and everything is a copper. Actually, what you do, it's a carbon sheet copy on the metal, and after that, starting the pounding. 2 days, 3 months, more than 1.5 million strokes to do this. So everything is manual, no machines included. Everything is a copper, even if you see different coloration on the top, on one side, you take a look the other one, it's always copper. What has been done is also very old tradition. और
जैसा अभी मैंने आप लोगों को मॉस्क दिखाया तो आप वहाँ जा सकते हो। वैसे मोस्टली मॉस्क में ये होता है कि आप पूरा बॉडी कवर करके जाओ, बट यहाँ पे अलाउ है, आई थिंक ये प्रेयर के लिए नहीं है। जैसा इन्होंने कुछ बताया तो वही सीन है, बाकी अभी और आगे जा रहे हैं हम। बट क्या आपको पता है यहाँ की इस एंशंट हिस्ट्री के साथ ही आपको देखने को मिल जाएंगी नई जर्जर इमारतें जो कि अभी कुछ ही सालों पहले डिस्ट्रॉय की गई थी वॉर में। एंड ये सब देखकर काफी बुरा लगता है यहाँ पर यार। और अभी जो मेरे पीछे बिल्डिंग है ये पूरा वॉर के दौरान इसको डिस्ट्रॉय किए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो आपके सामने बिल्डिंग है वहाँ पे पहले स्नाइपर्स होते थे, मतलब जो क्रोएशियन होते थे एंड यहाँ पे बोस्नियन लोगों को मारते थे। अब कितनी सैड स्टोरी होगी यहाँ की यार, देखो पूरा, क्योंकि जैसे मैंने दोस्तों सुना है ना बोस्निया की स्टोरी सच में काफ़ी सैड है। मतलब यहाँ पे बिना वजह लोगों को मारा गया और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन कैंप थे, तो लोग तो यहाँ पे पूरा मतलब रिलीजन और उसको करके सेपरेट किया था लोगों को और बाद में कंसंट्रेशन कैंप में रख के मारा गया था। मतलब सुन के इतना अजीब लगता है। और अभी ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, आई थिंक 1992 के आसपास की है। और अभी देखो 20 या 25 साल हुए होंगे यहाँ पे, अब थोड़ा पीस वाला सीन है। बट अभी भी बोलते हैं जब मैच वगैरह होता है तो उधर थोड़ा क्रोएशियन को सपोर्ट करते हैं उस साइड, तो जब भी इनका फुटबॉल मैच होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा टेंस वाला सीन रहता है, तो पुलिस कंट्रोल लगाई जाती है यहाँ पे बॉर्डर्स पे। इंटरेस्टिंग कहानी है। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ या तो मैं क्रोएशिया चला जाऊँ मॉन्टेनेग्रो की जगह, बट देखता हूँ क्योंकि अभी टाइम मेरे पास कम है। आई थिंक आज हो गई 1st of August और 15th तक मुझे वापस जाना है, तो देखते हैं कैसे मैनेज कर पाता हूँ मैं। हेलो गाइस, लाइक दिस, हेलो, I'm here in Mostar and now we're gonna have lunch with these people, great people. No, I'm not. He's faking it till we make it. More energy, like this. Hello! No shouting. Huh? No shouting. No. तो कुछ ऐसे में मेरा वक्त गुजारता हूँ इस ब्यूटीफुल से ओल्ड टाउन में। एंड आज है मेरा लास्ट डे यहाँ पर, और जब लास्ट डे है तो यहाँ की ब्यूटीफुल सी नाइट लाइफ एक्सप्लोर किए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ। तो मेरी स्लोवेनिया टू क्रोएशिया ट्रिप के दौरान मुझे कुछ लोग मिले थे बस राइड में से, एंड वही लोग मुझे वापस से मिलते हैं मोस्टार में, जिनमें से मेरी एक फ्रेंड थी लैला। एंड वैसे शी हैड स्पेंट सम डेज इन इंडिया, जो कि आपको इसकी हिंदी से समझ आ ही गया होगा। यू आर माय ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर। आवे बेटा, व्हाट यू डूइंग? हकीम? आई डोंट रिमेंबर एनीवन। New country, new This is your friend. कुछ इस तरह मैं ज्वाइन करता हूँ इन्हें मेरी हॉस्टल गैंग के साथ, और कुछ इस तरह हम गुजारते हैं हमारी नाइट मोस्टार में। तो कुछ ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस मोस्टार में, एंड आई हैड रियली वंडरफुल टाइम ओवर देयर। और इसी के साथ मेरा वक्त आता है एक नई कंट्री की ओर निकलने का। तो फिर से मिलते एक नए सफर में, एक नई कंट्री में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। शिट, सो दिस इज द बेस्ट व्यू फ्रॉम द नाइट ऑफ मोस्टार सिटी। You're Mostar, Mostar Bosnia. Make sure you smash and like that subscribe, baby. Yeah, and also your flashlight. No, I can't see much. You ruined my whole fucking monologue. Wait, wait. Anyone has mobile phone? We need flashlight, night light. Oh my god. I'm so.